मैं सोए हुए रहती हूँ, तभी मेरे हस्बैंड उठाते हैं, सरी उठो उठो। फिर मैं उठती हूँ तो मेरे को बताते हैं कि मछली वाला आया है बाहर, भाई कॉल किए हैं घर के। तो मैं बोलती, मेरे से पूछे खरीदूँ या नहीं घर के। मैं बोली, ये क्या यार, मछली वाला आया यार, मेरे से पूछ रहे हो, खरीदना ही है, जाओ खरीद कर लाओ। तो फिर वो गए थे खरीदने, तो मछली वाला भी इधर उधर चला गया था, इस गली पे चला गया था, उसके बाद सेकेंड वाले बाद इस गली में 15-20 मिनट बाद वो मछली लेकर आए। मछली वाले भैया का भी मछली सभी बिक गया था, थोड़ा सा बचा था क्योंकि ये ताज़ा मछली है तो सभी खरीद लिए थे। तो मेरे हस्बैंड लाए, तो फिर मैं बोली ठीक है हस्बैंड आते हैं तो आप सबको आज ही मछली रेसिपी दिखाएंगे, और ये वाला मछली आप सबने कभी खाए हो कि नहीं कमेंट पे ज़रूर बताना। मैं तो ये वाला मछली ज़्यादातर नहीं खाती हूँ, छोटा वाला मछली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो छोटा वाला अक्सर ख़रीदा करती हूँ। तो ये देखिए बड़ा वाला मछली अब मैं साफ़ कर रही हूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल, आप सब कैसे हैं, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए मछली को काटते वक्त इतना फिसलता है कि मैं एक टब पे पानी लेके बैठ गई हूँ ताकि मुझे काटने में आसानी हो। तो इतना बड़ा मछली था और काटने में बहुत लेट लग रहा था। तो चलिए हम आगे चलते हैं, हमने सारा मछली काट लिए, साफ़ कर लिए, अब हम सभी मछली को एक साथ धो देते हैं, छोटा बड़ा सभी को एक साथ धो देते हैं। और ये देखिए ये वाला जो मछली है ना, वो मेरा फेवरेट मछली है, मुझे छोटी मछलियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, आप सबको भी पसंद है ना। और जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ मेरी लूपी डूपी इतना परेशान करती है, देखो उनकी आवाज़ कैसे आ रही है ना, तो ऐसे ही मेरे को परेशान करते रहती है ये। छोड़िए उसे, तो आगे देखिए, मैंने सारा मछली साफ कर ली और आज बहुत दिनों बाद मछली वाली रेसिपी आने वाली है। तो आप सब देखिए वीडियो लास्ट तक, बहुत मज़ा आने वाली है। और ये देखो छोटे से लेकर बड़े बड़े तक की मैंने मछली इस तरह से सजा कर रहती थी, यहीं आया था पास में तो मेरे हस्बैंड कॉल किए थे मछली आया है करके। तो ये देखिए इस तरह से ये वाला बड़ा वाला मछली है, मेरे को दोनों मछली पसंद आया तो मैं बोली दोनों ही खरीद लो, तो मेरे हस्बैंड दोनों ही खरीद लिए। और आप सबको पता है मछली मेरा फेवरेट है। तो चलिए बनाते हैं, अभी कढ़ाई में मेरा सब्जी है, इसे मैं खाली कर लेती हूँ, फिर मांज लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद हम जो है बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप सब हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, और अच्छे लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सब ऐसे ही करते हैं, अपना प्यार बनाते हैं। तो और अभी कुछ दिनों से आप सब मुझ पर नाराज़ हैं, क्या है पता नहीं, मुझे आप सब अच्छे से लाइक सब्सक्राइब फॉलो को कुछ नहीं करते, पता नहीं मेरे वीडियो पर व्यू ही नहीं जा रही है, पता नहीं क्यों नहीं जा रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज़ आप सब मेरे सपोर्ट करिए ना, मेरा व्लॉग फुल देखा करिए ना प्लीज़, और लाइक पक्का कर दिया करिए यार, मेरे को बहुत बुरा लगता है, आप देख कर चले जाते हैं लाइक कोई नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और हमारा रेसिपी अच्छा लगे तो आप भी अपने घर पे ट्राई करिए। तो चलिए चलते हैं आगे की तैयारियाँ करते हैं, मुझे बर्तन साफ करना है। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है गैस पे, गैस भी ऑन कर ली है, अब ये वाली मछली को हम पहले तल के रखेंगे, मेरे हस्बैंड जो है दही लाने गए हैं, ये वाला मछली को ना मैं दही में बनाने वाली हूँ और ये वाले को टमाटर के। तो हस्बैंड ने एक साथ देखिए अच्छे से नमक डाल दे रही हूँ, नमक और हल्दी, देखिए इस तरह से। तल भी रहा है और आधा तो तलते तलते खा लिए, यहाँ देखना वीडियो चला होगा। और मेरे हस्बैंड जो है प्याज और टमाटर काट रहे हैं सब्जी के लिए। तो अभी फैन ऑन है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मैंने ऑर्डर कर दिया,
और मेरे हस्बैंड इस तरह से टमाटर है वो काट रहे हैं, मेरे हेल्प करते हैं यार, मेरे प्यारे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं। इधर मछली गल रही है, बहुत सारी मछली तैयार गया है और दो बज भी गया है, तो बने रही है वीडियो पे। हमारी प्याज बहुत अच्छी से भुन गई है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। हमारा किचन इतना छोटा सा है ना, सारा सामान यही यही रखना पड़ता है, ये बिल्कुल बस ये और ये, एक हाथ इधर और एक हाथ इधर और एक हाथ इधर, ये देखिए और एक हाथ इधर, बस ऐसे खड़ा हो गया और ऐसे, उतने ही छोटा सा है हमारा किचन। तो इतना सामान रखने के लिए इतना छोटा सा होता जगह होता है ना, मैं क्या बताऊँ। मेरे हस्बैंड की हेल्प पड़ेगी अभी, तो मैं बुलाती हूँ, आओ जी। ये देखो कैसे लेटे हुए हैं मेरे हस्बैंड जी, आ ना थोड़ा सा कैमरा पकड़ लो, हल्दी मिर्च डालूंगी मैं। और आज मैं सोची थी अलग अलग बनाऊंगी दोनों सब्जी, लेकिन हम लोग इसे तल के ही खा लिए तो बहुत कम लग रहा है मेरे को सब्जी, तो मैं सोची चलो उसी में एक साथ ही हम ना तो बना देते हैं दही के साथ, तो मुझे लाओ ना आप मुझे। तो देखो हम सब को एक कप चम्मच डालेंगे, इसमें लाल सूखी मिर्च भी डाली हूँ मैं, वैसे आप स्टार्टिंग में देखते होंगे तो सब भी मसाला बड़ी बड़ी से डाल देंगे। और हम इसे में ना दही में बनाने वाले हैं, और बहुत दिनों बाद दही में खाने का मन किया तो दही ले आए हैं मेरे हस्बैंड, तो हम दही में ही बनाएंगे। तो ये देखिए इधर दिखा दीजिए मेरा मसाला, अब हम इसमें पानी की जगह दही ऐड करेंगे, अभी अच्छे से भून डाल देंगे इसे। उसके बाद आपको कैसा लगता है कि मछली? आज का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ताज़ा वाला था। कैसा लगा आज का टेस्ट? काफ़ी बहुत अच्छा ही लगा मेरे को, क्योंकि आज ताज़ा मछली था, वो भी हटाओ डैम से निकाल के लाए हम, बहुत अच्छी बेचने वाला, मुझे तो बहुत ही अच्छा मज़ा आ गया उसका टेस्ट, ताज़ा मछली का टेस्ट ही अलग होता है। बहुत अच्छा लगा मुझे भी आज, और इतना सारा हम लोग तला हुआ खा लिए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी आप लोगों के कारण, देखो इतना गर्मी में रहना पड़ता है, और आप लोग एक लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करते, इसे ढक देते हैं थोड़ा देर पकने देते हैं। चलो तो ये देखिए हम डाल रहे हैं दही, सभी दही को डाल देते हैं, पानी करो अच्छा से डाल दीजिए, इसमें सभी दही को डाल दीजिए, ऊपर कर लो, देख लीजिए मैं सभी दही को एक कर दूँ इसमें। अब हम इसे अच्छे से थोड़ा देर दबकने देंगे, पकने देंगे थोड़ा देर पकने देंगे, उसके बाद हम इसे पानी ऐड करेंगे। दही बनने के बाद इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी, ये देखिए बस ऐसे बंद कर दो, जाओ। सब्जी कितना प्यारा लग रहा है, अब हम इसमें दो गिलास पानी डाल देंगे, दो छोटे गिलास। तो लीजिए हमारा सब्जी तैयार है, बस एक बार दबकेगा और हम इसमें सारा मछली ऐड कर देंगे, और फिर आगे का वीडियो नहीं बना पाएगा, इसी वाला वीडियो यहीं तक तक खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।